दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। महावितरण के अकोला शहर विभाग की ओर से गोयनका फीडर पर छापामार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 19 बिजली उपभोक्ताओं की मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी उजागर हुई, जबकि 7 ग्राहक सीधे हुक डालकर बिजली चोरी करते पकड़े गए। उल्लेखनीय है कि फीडर पर बिजली नुकसान का प्रमाण बेहद ज्यादा बढ़ गया था। ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पशुधन इस समय लंपी बीमारी से जूझ रहा है। हालांकि इलाज को लेकर सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वे काफी नहीं है। ऐसे में गाय के जीवन को बचाने के लिए गोरक्षकों और गोरक्षा संगठनों को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर आगे आए, ऐसा आह्वान डॉक्टर संदीप चौहान द्वारा किया गया। अकोला तहसील के ग्राम कन्हेरी गवली से 2 यात्री लेकर पारस फाटा से बालापुर की ओर तेज गति से जा रहा एक ऑटो भिकुण नदी के पास पलट गया, जिसमें एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और 2 यात्री घायल हो गए। जानकारी अनुसार ऑटो की रफ्तार अधिक होने से यह दुर्घटना घटी। महाराष्ट्र राज्य बीज निगम महाबीज के संचालक पद के चुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिसमें बुलढाण से वल्लभराव देशमुख तथा अकोला विदर्भ मतदाता निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर रंजीत निकंतराव सपकाल ने सर्वाधिक मत हासिल करते हुए जीत दर्ज कराए। विजयी उम्मीदवार और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर के जनप्रतिनिधियों द्वारा इनका सत्कार किया गया। पूर्व मध्य रेल विभाग की ओर से यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए नागपुर से मडगांव चलने वाली विशेषज्ञ साप्ताहिक एक्सप्रेस व मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स बल्लार शाह साप्ताहिक एक्सप्रेस के कालावधि में बढ़ोतरी कर दी है। त्योहारों के मौसम में रेल विभाग द्वारा लिए गए इस निर्णय के चलते यात्रियों को राहत मिली है। चांदनी पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले तुलंगा खुर्द के 36 वर्षीय युवक सचिन अविनाथ आठवले की गुटखा खाने के बाद लगी गले में गुटखा अटकने से युवक की मौत हो गई। बुधवार को सुबह सचिन ने गुटखा खाने के बाद गुटखा गले में अटकने से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, जहां सचिन की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। 4 दिन पूर्व विशेष पुलिस दल ने अकोट में घर के आंगन में गांजे का पौधा लगाकर इसका संवर्धन कर गांजा बेचने वाले पर कार्रवाई की थी। बुधवार को भी बारशिटाकली गांव में एक गांजा बेचने वाले को विशेष पुलिस दल ने पकड़ा। जिले में गांजे के व्यवसाय से पैसा बनाने वाले बाज नहीं आ रहे। जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित अभियान 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नवरात्रि पर्व के दौरान लागू किया जाएगा। इस अभियान अवधि के दौरान जिले की 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं और माताओं की जांच की जाएगी। जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने सभी से इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास करने की अपील की। नागरिकों को लर्निंग लाइसेंस निकालने के लिए अब तक उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जाना पड़ता था, लेकिन अब शासन की ओर से फेसलेस सुविधा के अंतर्गत घर बैठे लर्नर्स परमिट मिलेगा। इसके लिए नागरिक अपने मोबाइल पर और घरेलू संगणक सहित ऑनलाइन सुविधा केंद्र पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बीते कुछ दिनों पहले स्टील के दाम 80,000 प्रति टन तक पहुँच गए थे, जिसके बाद निर्माण व्यवसायी तथा अपना घर का सपना साकार करने वालों को दिक्कतें आ रही थी, किंतु अब स्टील के दामों में गिरावट आई है। अब निर्माण कार्य शुरू करने का यही उचित समय है। फिलहाल स्टील के दाम प्रति टन 60,000 से 62,000 तक पहुंच गए हैं, वहीं सीमेंट के दाम भी काफी कम हो गए हैं। दिव्य हिंदी न्यूज, न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अभी डाउनलोड करें, साथ ही इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।